हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड पे। 10 बड़ी खबरों के साथ मैं शिवांगी हाजिर हूँ फिर से आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी हेडलाइंस। नंबर 1, शाहरुख खान की फिल्म पठान के सॉन्ग पर कंट्रोवर्सी होने के बाद शाहरुख के जबरदस्त सपोर्ट में आए फैंस। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में शाहरुख की फिल्म पठान को लेकर बॉयकॉट चल रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर फैंस पूरी तरह से शाहरुख के समर्थन में हैं। आपको बता दें कि एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद ही कुछ जगहों पर गाने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। हालांकि फिल्म की प्रोडक्शन टीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पठान के मेकर्स निश्चिंत हैं और वो ऐसे विरोध करने वाले लोगों को भाव नहीं दे रहे। नंबर 2, अवतार 2 को देखकर पूरा बॉलीवुड दीवाना हो गया है। 13 दिसंबर की रात मुंबई में अवतार द वे ऑफ वाटर की स्क्रीनिंग के बाद अक्षय, वरुण धवन समेत फिल्म डायरेक्टर कबीर खान और ओम राउत ने भी फिल्म की काफी तारीफ की है। अक्षय ने तो फिल्म को जबरदस्त बताया है और कहा है कि वो इस फिल्म के लिए डायरेक्टर जेम्स कैमरून को झुककर सलाम करना चाहते हैं। नंबर 3, फीफा के फिनाले में दिखेगा पठान का जलवा। जी हां, शाहरुख ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि फीफा के फिनाले मुकाबले के दौरान 18 दिसंबर को वो टीवी पर आएंगे और अपनी फिल्म पठान को प्रमोट करेंगे। फीफा का लाइव टेलीकास्ट करने वाले एंकर्स भी शाहरुख के आने की खबर सुन काफी एक्साइटेड हैं। एक तरफ जहां पठान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, तो वहीं उन सबसे दूर शाहरुख खान एकदम निश्चिंत होकर अपनी फिल्म को प्रमोट करने में जुटे हैं। नंबर 4, हेरा फेरी 3 के मेकर फिरोज नडियाडवाला अपनी फिल्म को लेकर काफी वक्त से चर्चा में बने हुए हैं। इसी बीच फिल्म को लेकर एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि नडियाडवाला ने मूवी के लिए 2 स्क्रिप्ट लॉक की हैं, जिसमें एक अक्षय कुमार के लिए तो दूसरी कार्तिक आर्यन के लिए है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ कि किस स्टार को लेकर कौन सी स्क्रिप्ट फाइनल की गई है। वहीं कास्टिंग को लेकर भी काफी दबाव है। इसी बीच फिरोज नडियाडवाला अक्षय के बीच फिल्म को लेकर फिर से बातचीत शुरू है। नंबर 5, Amazon Prime के लिए फैमिली मैन फ्रेंचाइजी बनाने के बाद राज और डीके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी अगली फिल्म फर्जी लाने के लिए तैयार है। हालांकि सीरीज के बारे में सभी डिटेल्स को हाइड करके रखा गया है, लेकिन ये शाहिद कपूर की डिजिटल शुरुआत है और विजय सेतुपति, राशि खन्ना और के मेनन इसमें नजर आएंगे। इसे एक क्राइम थ्रिलर बताया जा रहा है और अब पता चला है कि फर्जी फरवरी के महीने में प्रीमियर के लिए पूरी तरह से तैयार है। नंबर 6, कियारा आडवाणी जल्द ही डायरेक्टर विजय लालवानी की अपकमिंग फिल्म में नजर आएंगी, जिसका टाइटल लैम्प है। हाल ही में खबरें आ रही हैं कि कियारा की अपोजिट फिल्म में टीवी सीरियल देवों के देव महादेव फिल्म एक्टर मोहित रैना को कास्ट किया गया है। फिल्म की शूटिंग अगले साल अप्रैल में शुरू होगी। सोर्सेज की माने तो मेकर्स इस फिल्म को डायरेक्ट OTT पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। नंबर 7, अवतार 2 द वे ऑफ वाटर की एडवांस बुकिंग ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म कल ही यानी कि 16 दिसंबर को पूरे भारत में 6 अलग अलग भाषाओं में रिलीज हो रही है और हर तरफ से इसकी रिकॉर्ड बुकिंग की खबरें आ रही हैं। भारत में अवतार की सबसे महंगी टिकट 3200 रुपए की है और पहले दिन के इसके अधिकतर शो हाउसफुल हो चुके हैं। ट्रेड एनालिस्ट का अनुमान है कि अवतार 2 अपने पहले ही दिन भारत में 100 करोड़ की कमाई का अनोखा रिकॉर्ड बना सकती है। नंबर 8, कैटरीना कैफ की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिनको देखने के बाद एक बार कैटरीना के फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि इस बार कैटरीना सच में मां बनने वाली हैं। उनकी वायरल हो रही फोटो पर लोग कमेंट्स कर उनकी प्रेगनेंसी को लेकर सवाल भी पूछ रहे हैं। फिलहाल कैटरीना या उनकी टीम की ओर से इस बारे में कोई बयान या कंफर्मेशन नहीं हुई है। हालांकि कैटरीना की प्रेगनेंसी की खबर ने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज वेबसाइट्स पर जोर पकड़ लिया है। नंबर 9, अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 2 अभी भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है। इसी बीच फिल्म को लेकर एक जबरदस्त अपडेट सामने आई है। एज पर रिपोर्ट्स, दृश्यम 2 वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली इस साल की बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। आपको बता दें कि दृश्यम 2 जहां तीसरे नंबर पर है, तो वहीं रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र पहले और अनुपम खेर की द कश्मीर फाइल्स दूसरे नंबर पर है। एंड नंबर 10, 20 साल बाद एक बार फिर विवेक ओबेरॉय के सामने आया ऐश्वर्या राय का सवाल। जी हां, अपनी रिसेंट रिलीज वेब सीरीज धारवी बैंक के प्रमोशन के दौरान जब एक रिपोर्टर ने विवेक से ऐश्वर्या संग रिलेशन पर सवाल पूछा, तो विवेक पहले तो घबरा गए। बाद में उन्होंने कहा कि जो मसला खत्म हो चुका है, उसे दोबारा तूल देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि साल 2003 में ऐश्वर्या से अफेयर की वजह से विवेक ओबेरॉय और सलमान खान के बीच में बड़ा हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में ऐश्वर्या ने विवेक से ब्रेकअप कर लिया था और सालों बाद उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली थी।
बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।